दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इंस्टेंट पैन कार्ड बनाए थे और आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो गया या फिर किसी कारण से ख़राब हो गया, तो अगर आप अपना नया पैन कार्ड अगर आप अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से मंगवा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में आपको ई फिलिंग लिख के सर्च करना होगा। इस तरीके से आपको सर्च करना होगा। तो जैसे आप लोग ई फिलिंग लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर में आपका वेबसाइट आ रहा है, ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इस वेबसाइट में आपको सिंपल से इंटर करना है। तो इस वेबसाइट में आप लोग जैसे इंटर करेंगे, इसके ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर में एक पॉपअप खुल के आया है। तो इसको आपको सिंपल से यहाँ पर आपको काट देना है। तो इसके क्रॉस के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे जो है ऊपर से हट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका वेबसाइट दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वेरीफाई योर पेन डिटेल्स, यानी कि ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेरीफाई योर पेन डिटेल्स, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना होगा। तो इसके ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड जो नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपका फुल नेम जो भी है यहाँ से डाल देंगे, और उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक कैप्चा दिखाई देगा। इस कैप्चा का आपको इस तरीके से आपको इस यहाँ पर इस बॉक्स में आपको भर देना होगा। और जिस भर के आप लोग जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेन इज एक्टिव एंड द डिटेल्स आर मैचिंग विथ पेन डेटा बस, यानी कि पेन कार्ड के साथ आपका जो डेटा है वो मैच कर गया है। तो आप कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रिप्रिंट पेन कार्ड लिख के आपको सर्च करना होगा। इस तरीके से रिप्रिंट पेन कार्ड लिख के आप जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको रिक्वेस्ट फॉर रिप्रिंट ऑफ पेन कार्ड NSDL इस प्रकार से आपका फर्स्ट में आपका खुल के आ जाएगा इस तरीके से। तो इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पेन कार्ड नंबर, अपना पेन कार्ड नंबर जो है यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कि आपको डेट ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये कंसेंट आपको दिखाई देगा। इस कंसेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे और उसके नीचे में आके इस कैप्चा को सही सही भर देंगे इस जगह में। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस सबमिट के ऊपर हमें आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे बाद कुछ इस प्रकार से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ्लैट नंबर, ये सब सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि टाउन, झारखंड, स्टेट, ये सारा कुछ यहाँ पर आपका दिख जाएगा। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड बॉथ। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के ऊपर आपको टिक करना है। तो जैसे आप लोग मोबाइल नंबर ऊपर टिक करेंगे यहाँ से एग्री कर देंगे, और एग्री करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सिंपल से डाल देना है। तो जैसे आप ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट के ऊपर में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वैलिडेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर बिलटेक्स के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेटीएम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि 50 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे में देख सकते हैं आपको पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई या नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो 7 या 8 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड घर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और घर पर मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।